देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते हालात बहुत ही भयावह हो चुके हैं। रोज हजारों की तादाद में नए संक्रमित सामने आ रहे हैं और दर्जनों लोगों की रोजाना मौत हो रही है। इस बीच शहर में कोरोना संक्रमण में काम आने वाली दवाओं की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। जीवन रक्षक दवा इंजेक्शन, रेमडेसिविर, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जैसे जरूरी चिकित्सा उपकरणों का कालाबाजारी करने से नहीं चूक रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन चिकित्सा उपकरणों का ब्लैक मार्केटिंग कर बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कालाबाजारी करते कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। DCP क्राइम ब्रांच मोनिका भारद्वाज के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम आलोक त्यागी, अभिषेक बंसल और सोमल गुप्ता है। आलोक हापुड़, अभिषेक राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद और सोमल सेक्टर 121 नोएडा का रहने वाला है। तीनों 2 साल से चिकित्सा उपकरणों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। कोरोना काल में ये लोग मास्क और सैनिटाइजर आदि बेच रहे थे। इनके कब्जे से 3 रेमडेसिविर, 100 पल्स ऑक्सीमीटर, 48 छोटे बोतल के आकार के ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, 1,20,000 रुपए नकद और अपराध में इस्तेमाल ब्रेजा कार जब्त कर लिया गया है। ये लोग 40,000 में 1 रेमडेसिविर बेचते थे। तीनों को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया है। 25 अप्रैल को क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि कुछ लोग रेमडेसिविर, ऑक्सीमीटर और गैस सिलेंडर का कालाबाजारी करते हैं, जो ऊंची कीमत में जरूरतमंदों को बेचने लक्ष्मी नगर आने वाले हैं। ACP राजेश कुमार व इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ और अजय कुमार के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने मेट्रो पिलर नंबर 40 के पास ब्रेजा कार में सवार तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कार की तलाशी लेने पर डिगी से चिकित्सा उपकरण और रेमडेसिविर बरामद किए गए। ट्रैफिक में पुलिस से बचने के लिए इन्होंने प्रेस का आई कार्ड बनवा रखा था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।